उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन को लेकर सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन अब नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन सकी है। दोनों दल अब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच देर रात तक बातचीत का दौर चला है, लेकिन सीटों का पेच सुलझ नहीं सका है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन इसके लिए कांग्रेस तैयार ही नहीं हुई। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 27 उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में है, और इसी दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन टूटने की खबर अब सामने आ गई है। अखिलेश यादव ने दो टूक कह दिया है कि गठबंधन फाइनल नहीं हुआ तो वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होने वाले हैं। खबर तो ये भी है कि दोनों दलों के बीच कुछ सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि एक तरफ जहां पर इंडी गठबंधन वैसे ही छिन्न भिन्न अलग अलग राज्यों में हो चुका है, अब उत्तर प्रदेश जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है, यहां पर भी अब खबर ये है सूत्रों के हवाले से कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन नहीं करने वाले हैं। और न्यूज 18 इंडिया के हमारे दो सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अमित हैं और अरुण भी हमारे साथ हैं। पहले अमित आपके पास आते हुए, यहाँ पर ये पहले से ही क्लियर लग रहा था क्योंकि लगातार अखिलेश यादव भी इस तरीके से बयान दे रहे थे और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आ रही थी, अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राहें जुदा हैं, यूपी के अंदर तो ये साफ हो चुका है। देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव के पिछले दिनों अगर हम बयान देखें तो जो बयान था उसके बाद अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सबसे पहला ट्वीट हुआ था कि गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को 11 लोकसभा सीटों का ऑफर दिया जा रहा है, उसके बाद 17 लोकसभा सीटों को, बीच में फिर अखिलेश यादव ने बयान दिया कि उनके पास जीतने वाले उम्मीदवार कौन कौन से हैं उसका नाम बताएं। लगातार जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता था वो फ्रंट फुट पर आके नाम पूछ रहे थे कि उम्मीदवारों का नाम बता दें कांग्रेस की जो जीतने वाले हों। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो उनका बयान देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास लगातार बना हुआ था। अब जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा था कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो रायबरेली में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे, लखनऊ में भी रहेंगे, लेकिन आज रायबरेली में अखिलेश यादव नहीं रहेंगे क्योंकि बताया ये जा रहा है, सोर्सेस ये बता रहे हैं कि जो गठबंधन में जो सीट बंटवारों को लेकर जो बातचीत थी, जो अखिलेश यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी थी 17 लोकसभा सीटों को लेकर, तो वहीं कांग्रेस जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से डिमांड की गई थी 2 और सीटों की, वहीं प्रियंका कैम की तरफ से मुरादाबाद सीट की भी डिमांड की गई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था कि 17 सीटों से 1 सीट ज्यादा नहीं देंगे, तो पेच यहीं फंसी हुई है और यही वजह है कि जो सोर्सेस बता रहे हैं कि इंडी गठबंधन को बड़ा झटका बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में लगने वाला है, जहां पर कांग्रेस ने ग्रेट होप सॉल्यूशन विल कम सर, 17 सीट्स ऑफर इज एक्सेप्टेबल। भी हमारे साथ मौजूद है, अरुण का हम रुक कर लेते हैं। अरुण, कांग्रेस के लिए दो बड़े झटके यहां से दिखाई देते हैं, एक तो अगर गठबंधन, अभी तो सूत्रों के हवाले से खबर है, अगर औपचारिक ऐलान ये हो जाता है कि गठबंधन नहीं हो रहा, और दूसरा वो न्याय यात्रा जिसमें पूरी ताकत झोंक दी है राहुल गांधी ने, तो अब उत्तर प्रदेश में वो न्याय यात्रा है, गठबंधन नहीं हुआ तो यहां से न्याय यात्रा भी कमजोर हो जाएगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ उनकी बातचीत रोक रहे हैं, ये बड़ी खबर मिल रही है। पहले दर्शकों को बता दें, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का दावा है, बड़ी खबर सामने आ रही है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है, ये उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है, यानी अभी जो टूट की खबर आ रही है उस पर वो मोहर लगाते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी बातचीत चल रही है, हो सकता है कि यहाँ जो सीटों को लेकर पेशकश की गई है उस पर बातचीत बन जाए। ये बड़ा दावा केसी वेणुगोपाल की तरफ से किया गया कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है। तो अरुण हमारे सहयोगी कुछ बता रहे थे, अरुण अपनी बात पूरी कीजिए। मैं यही बता रहा था कि केसी वेणुगोपाल ने स्पष्ट कहा है, खबरों को खारिज किया है, गठबंधन टूटा नहीं है, बातचीत चल रही है, हाँ बीच में गतिरोध जरूर है, लेकिन जल्दी ही समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है, जिन सीटों पर कांग्रेस को लड़ना है, जिन पर समाजवादी पार्टी को लड़ना है, वो साफ कर दिया जाएगा और उनकी घोषणा भी कर दी जाएगी। ये बात मैं आपको कह रहा था कि मुरादाबाद और रामपुर दो ऐसी सीटें हैं जो 2019 में
समाजवादी पार्टी ने जीती थी। हालांकि रामपुर में बाद में आजम खान डिस्क्वालीफाई हो गए थे, वहां से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट बन गए, लेकिन उन दो सीटों को समाजवादी पार्टी नहीं देने को तैयार है कांग्रेस को। जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रभारी महासचिव है अविनाश पांडे, उन्होंने ताजा डिमांड समाजवादी पार्टी के सामने रखी है, मुरादाबाद और रामपुर की, जो समाजवादी पार्टी देने को तैयार नहीं। इसके पहले खड़गे से जो अखिलेश यादव की बातचीत हुई थी, दो नई सीटें मांगी थी उन्होंने, अमरोहा, देवरिया और बहराइच। बहराइच छोड़ के अमरोहा और देवरिया दोनों देने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार होगी, लेकिन संख्या 17 के पास ही रखनी है। यानी समाजवादी पार्टी कह रही है कि 17 सीटें आपको देंगे, हो सकता है एक दो सीटें आगे पीछे हो जाएं, लेकिन बात फंसी है मुरादाबाद और रामपुर पर। और इसी से नाराज समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव है, उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अगर ये ऐलान हो जाता है तो अभी भी समय है, लखनऊ यात्रा पहुंचेगी, हो सकता है उसके आसपास वो उसमें शामिल हो जाएं, जिसकी घोषणा उन्होंने खुद की थी, लेकिन पेच अभी भी फंसा हुआ है और उसकी वजह से सीटों का ऐलान नहीं हो पा रहा। ठीक है अरुण, इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, फिलहाल शुक्रिया आपका। लेकिन इसी बीच और भी बड़ी जानकारी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। एक तरफ केसी वेणुगोपाल का बयान आपने सुना, बड़ा दावा वो कर रहे हैं कि बातचीत वो चल रही है, जरा पहले सुनिए वो क्या कह रहे हैं। दिस डिस्कशन इज गोइंग ऑन, डिस्कशन इज गोइंग ऑन, इट विल बी फाइनलाइज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। देयर अदर पार्टीज आल्सो दे आर सेइंग दैट वी आर फाइटिंग अलोन सर, सो इट इज अ ड्रॉबैक। समाजवादी पार्टी का ब्रदर वेट फॉर सम टाइम, वी आर ऑन प्रोसेस, आवर अलायंस टीम इज देयर, कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज अपॉइंटेड एन टीम ऑफ अलायंस लीडर्स, सो दे आर डिस्कसिंग डे बाय डे, दे आर डिस्कसिंग विद एवरीबॉडी, देयर इज अ सॉल्यूशन विल कम, डोंट वरी, वी आर इन अ ग्रेट होप, सॉल्यूशन विल कम। और उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन में टूट के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडी गठबंधन पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लखनऊ जाने के सवाल पर ये कहा कि इंडी गठबंधन खत्म हो चुका है, वो कहीं भी चले जाएं कुछ काम नहीं आने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये बहुत बड़ा हमला किया गया इंडी गठबंधन पर। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में अब बात नहीं बन पाई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। राजनाथ सिंह ने ये कह दिया, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लखनऊ जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन खत्म हो चुका है, कहीं पर भी क्यों ना चले जाएं, कुछ काम नहीं आने वाला। राहुल गांधी भी लखनऊ आ रहे हैं, अभी फिलहाल सुल्तानपुर कोर्ट में हुआ है, अब वो भी लखनऊ आ रहे हैं। हमें लखनऊ जो भी आया सभी का स्वागत है, जिस तरीके से अदब और तहजीब तो यहाँ की बड़ी पुरानी परंपरा है। इंडी गठबंधन में जिस तरीके से फूट है सर, अखिलेश यादव भी सोच रहे हैं कि जाऊं कि ना जाऊं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। नहीं नहीं, इंडी गठबंधन पर रहा ही कहां, पूरी तरह से बिखर चुका है और जनता सचमुच इंडी गठबंधन को लेकर बेहद निराश है, बेहद निराश है। 2024 में 80 में से कितनी बीजेपी को सर उत्तर प्रदेश? इस समय सारे देश भर में आम जनता का मोदी जी के नेतृत्व के प्रति एक गहरा विश्वास है और लोग ये मानते हैं कि इस देश को यदि विकसित देश यदि कोई बना सकता है, एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में यदि कोई खड़ा कर सकता है, तो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ही खड़ा कर सकते हैं। हमारे दोनों सहयोगी अमित और अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास आते हुए, चूंकि आपने बातचीत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, इंडी गठबंधन पर कड़ा प्रहार उनकी तरफ से किया गया और सीधे सीधे यही कि इंडी गठबंधन का अब कोई अस्तित्व नहीं है, और क्या बड़ी बातें रही उनकी? देखिए, राजनाथ सिंह ने जो खास बातचीत मुझसे की है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी न्याय यात्रा कहीं भी कर ले, राहुल गांधी भले ही अमेठी में जाकर न्याय यात्रा कर ले, आज रायबरेली में है, फिर लखनऊ आना है, तो वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ से इंडी गठबंधन और कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। सीधे सीधे उन्होंने राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं देशवासियों के लिए और उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सीटें जो है एनडीए के खाते में जाने वाली है, बीजेपी के खाते में आने वाली है, तो जाहिर तौर पे एक बड़ा हमला राजनाथ सिंह ने किया है। दरअसल रिंग रोड का 100 किलोमीटर से ज्यादा का रिंग रोड है, उसकी निरीक्षण करने के लिए राजनाथ सिंह पहुंचे थे और वहीं पर उनसे हमारी ये बातचीत हुई है। तो दूसरी तरफ रायबरेली में थोड़ी देर में हमारे साथ अरुण, अब ये बताया जा रहा है कि बातचीत तो अभी भी चल रही है लेकिन आखिरी दौर की बातचीत में हो सकता है कि कुछ सीटों पर पेच फंस गया हो, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता पाएंगे कि कौन सी वो सीटें हो सकती हैं जिन पर बात नहीं बन पाई या आखिरी दौर की बात होते होते रह गई, कोई ऐसी सीटें?
देखिए दो ही ऐसी सीटें हैं, एक मुरादाबाद और एक रामपुर, दो ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर कांग्रेस को नहीं दे सकती, क्योंकि 2019 में दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। बाद में रामपुर में आजम खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उसके बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने गए, लेकिन इन दो सीटों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और एक और सीट है बहराइच, जो समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती कांग्रेस को, जो कांग्रेस मांग रही थी, लेकिन बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर भी राजी हो गए कि देवरिया और अमरोहा दे दीजिए, बहराइच नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, 17 सीटें ही देना चाहती है समाजवादी पार्टी, तो उस संख्या को लेकर के भी झगड़ा है। जहां तक राजनाथ सिंह की आपने बात की, देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में मिलाकर के 120 सीटें हैं, और बिहार में जब गठबंधन टूट गया महागठबंधन, तो बीजेपी के लिए बहुत राहत की सांस थी। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अगर टूट जाएगा तो मुस्लिम वोटर बट जाएंगे, कुछ समाजवादी पार्टी में जाएंगे, कुछ कांग्रेस में जाएंगे, और ये सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खबर और अच्छी खबर ये होगी कि गठबंधन टूट जाए। हालांकि अभी बातचीत चल रही है और केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सीटों का ऐलान कुछ देर में कर दिया जाएगा, कुछ दिनों में कर दिया जाएगा, लेकिन बिहार के बाद अगर उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त फायदा होने वाला। ठीक है अरुण, लौटेंगे आपके इस पास हम। अमित हमारे सहयोगी जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। अमित, जैसा कि अरुण बता रहे थे कि बड़ा फायदा इससे भारतीय जनता पार्टी को होगा, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? बिहार में जो हुआ वैसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में होता हुआ नजर आ रहा है, समाजवादी पार्टी की पकड़ यहाँ पर मजबूत नजर आती है, कांग्रेस को क्या पीछे हटना पड़ेगा? देखिए आप पीछे कौन हटता है, या फिर दोनों पार्टियों का गठबंधन होता है कि नहीं, या फिर अलग अलग लड़ते हैं, अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी अलग से अलग चुनाव में जाती है, कांग्रेस पार्टी अलग जाती है, और बहुजन समाज पार्टी पहले से ही ऐलान कर चुकी है कि वो अलग चुनाव लड़ेगी, तो जाहिर तौर पर जो अल्पसंख्यक वोटर है, जो मुस्लिम वोटर है, उनका वोट बटेगा और उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। जब इंडी गठबंधन का गठन हुआ था तो उस दौरान उसमें नीतीश कुमार भी थे, ममता बनर्जी खुद प्रखर रूप से आगे रहती थी, फ्रंट फुट पर आके बैटिंग थी, लेकिन हमने पश्चिम बंगाल में देखा कि जब सीट बंटवारों को लेकर कांग्रेस से उनकी बातचीत हो रही थी तो ममता बनर्जी का रुख किस तरीके से उन्होंने कड़ा उख्तियार कर लिया था। उसके बाद नीतीश कुमार का हमने देखा कि उन्होंने एनडीए गठबंधन का हाथ छोड़कर एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया। तो अब यहां पर उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जब सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कहीं ना कहीं खटाई में जाती हुई नजर आती है, सब पहले 11 का फॉर्मूला, फिर 17 का फॉर्मूला, 17 के बाद अब कांग्रेस की तरफ से और सीटों की डिमांड की जा रही है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं भी हो, कुछ भी हो, वो अपने सिटिंग एमपी का टिकट नहीं काटेंगे, और इसके अलावा 17 से 18 सीट वो नहीं देंगे, 17 ही देंगे। तो जाहिर तौर पे अगर ये गठबंधन नहीं होती है, जो हमारे सोर्सेस अभी बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर बात फंसी हुई है और गठबंधन टूट सकती है, तो ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, ये तो आखिरी दौर की बातचीत तक बात पहुंच गई थी ना, फिर ये क्या खबर है कि इंडी गठबंधन अब उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रहा है गठबंधन, क्या खबर है सही ये बताइए न्यूज 18 इंडिया पर आप। देखिए ये बात मान के चलिए कि देश में जो इंडिया गठबंधन है वो एक साथ है। आप यही बात कह रहे थे पश्चिम बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं है, ना हमने कहा कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं है। सवाल यह है कि आपका पूरा ध्यान इंडिया गठबंधन की तरफ रहता है, कभी एनडीए गठबंधन की तरफ भी झांक के देख लीजिए कि हाजीपुर से कौन लड़ेंगे, चचा लड़ेंगे कि चिराग पासवान लड़ेंगे, यही बता दीजिए, तो उसके बारे में कोई जानने की कोशिश नहीं करता। एनसीपी को कितनी सीटें देंगे या शिवसेना को कितनी सीटें देगी बीजेपी, ये बता दे जरा किसी पे, बस इस पे चर्चा ही नहीं है, चर्चा इंडिया गठबंधन पे, जिससे कि असली मुद्दों से ध्यान हट जाए। जैसे कि रिटर्निंग ऑफिसर जो चुनाव हुआ था चंडीगढ़ में, रिटर्निंग ऑफिसर को सुप्रीम कोर्ट ने के सामने उसने माना है कि हमने गलती की है, हमने क्रॉस किया था बैलेट पेपर पे, आज उसकी पेशी भी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर केस चलाने की बात कही थी, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी बात है लोकतंत्र की, लेकिन उससे ध्यान भटकाने के लिए इंडिया गठबंधन। ठीक है अनुराग जी, आपको रोक रही हूं इस वक्त। हमारे साथ कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अखिलेश जी, सीधे आपसे इसी बात पर टिप्पणी हम चाहेंगे कि इंडी गठबंधन का भविष्य क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि खबरें लगातार सामने आ रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं बन पा रही समाजवादी पार्टी के साथ। आप लोगों का क्या कहा जाए, इंडिया गठबंधन नहीं बोल सकते आप, क्योंकि मालिक का हुक्म आया है गुलामों को इंडी गठबंधन बोलना, कितनी गुलामी करोगे यार अखिलेश जी, आप टिप्पणी इस पर कीजिए ना कि पार्टी का क्या रुख है, क्या बातचीत हो रही है, क्या सीट को लेकर यहाँ पर फॉर्मूला तय हो पा रहा है, या फिर हर राज्य में अलग अलग तरीके से ही लड़ेंगे। करें आप लोगों को मायूसी मिलेगी, इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूती से रहेगा, आप लोग अपना
गोदीगिरी जारी रखिए, निराशा ये गलत बात है। अखिलेश जी आपको नहीं जवाब देना है, आप मत दीजिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। नहीं अखिलेश जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी आप कह रहे हैं कि एनडीए के बारे में बात कर लीजिए, कोई बात नहीं कर लेंगे, लेकिन अभी आपके गठबंधन की बात कर रहे हैं ना, तो आप जवाब तो दे सकते हैं। ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर गठबंधन के लिए बात हो रही है, आखिरी दौर में पहुंच गई है या फिर नहीं हो पा रही है, इतना सा सवाल है, बता दीजिए क्या हो गया। सुनिए, राष्ट्र के मुद्दों पे, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, और जिस तरह से किसान धरने पे बैठा है, हम सब मुद्दों पे, हम विपक्ष की सब एक हैं और सभी मजबूती से लड़ेंगे, जो जहां मजबूत है एक दूसरे की मदद करके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, ये मान के चलिए आप। लेकिन सवाल ये है कि आप कभी तो सवाल एनडीए गठबंधन से कभी पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, कि सारा सवाल इंडिया गठबंधन। अनुराग जी आपसे थोड़ी पूछेंगे एनडीए गठबंधन के लिए, भाई आप तो एनडीए गठबंधन के लिए जवाब देंगे ना, आप एनडीए का हिस्सा थोड़ी है, आप तो एनडीए गठबंधन के लिए बताइए ना। अच्छा अच्छा ये बता दीजिए, इंडिया गठबंधन बोल दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। आप बोलिए इंडिया गठबंधन, अगर इतना ही बोल दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि आपकी मंशा इंडिया अलायंस, आप बताइए। हाँ चल इंडिया गठबंधन बोल दीजिए ना, क्या दिक्कत है। अरे आपके कहने से थोड़ी बोलेंगे, आप जवाब दीजिए ना, आप मुझसे थोड़ी बुलवाएंगे, आप बताइए, आप बताइए 80 लोकसभा सीटों में से कितने पर पेट फंसाइए, बताइए आप मुझे बताएंगे क्या क्या बोलना है, आप ये बताइए 80 सीटों में से कितने पर गठबंधन कर रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये बताइए। अच्छा चलिए कोई बात, इंडिया तो बोल दीजिए, इंडिया तो बोल, इंडिया क्यों नहीं बोलूंगी, इंडिया में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं भाई, इंडिया आप बताइए, आप जवाब दीजिए, ठीक है इंडिया गठबंधन आप बताइए। अच्छी बात आपने कही है, इसलिए देखो आपको जवाब भी अच्छा मिलेगा। हम सब एक हैं और हम लोग मजबूती से लड़के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, इसकी आप चिंता मत कीजिए। आप चिंता कीजिए एनडीए गठबंधन की, जिनको जरूरत है बाहरी नेताओं को, वो तोड़ तोड़ के ला रहे हैं दूसरे नेताओं को, क्योंकि वो डरे हैं, सहमे हैं, उन्हें पता है कि वो नहीं जीत रहे, इसलिए कभी नीतीश जी के जा रहे हैं, नीतीश जी आ जाइए मेरे पास, कभी अशोक चौहान को तोड़ के ला रहे हैं, कभी दूसरे नेताओं को तोड़ के ला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो अकेले दम पे, और एनडीए जो गठबंधन है वो सीट नहीं जीत सकता, बहुमत तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए उन्हें दूसरे दलों की जरूरत पड़ रही है। हम बार बार पूछ रहे हैं इनके एनडीए गठबंधन से कि आप अपना दल को कितनी सीटें दोगे, नहीं बता रहे हैं। राजभर जी मंत्री कब बनेंगे, नहीं बता रहे हैं। आप पूछे निषाद पाटिल को कितनी सीटें दोगे, नहीं बता रहे। अनुराग भदौरिया जी बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण यहाँ पर इंडी गठबंधन के साथ एक बड़ी दुविधा ये है कि आपस में ही लड़ रहे हैं, जो चुनौती के लिए, जिस चुनौती के लिए एकजुट हुए थे लोकसभा चुनाव के लिए, उससे पहले यहाँ पर बिखराव देखने को मिल रहा है, और लगातार हम उनके नेताओं को भी सुन रहे हैं, उनको एनडीए में क्या हो रहा है ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी है। देखिए मुश्किल किसी भी गठबंधन के सामने आती है जब एक दूसरे के वोट शेयर पर नजर रखते हैं। आप देखिए जैसे बंगाल की बात करिए, ममता बनर्जी वहां कांग्रेस को मजबूत नहीं होने देना चाहती और कोई भी पार्टी अपना वोट शेयर दूसरे को नहीं देना चाहता। मायावती इसी डर में जल्दी गठबंधन नहीं करती कांग्रेस से, क्योंकि एक बार गठबंधन किया और उनका अगर जो दलित वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ चला गया, जो पहले कांग्रेस का था, मायावती के आने से पहले दलित वोट बैंक कांग्रेस का था। मायावती हमेशा इस बात से डरती है कि अगर वो वापस चला गया अपने मूल कैडर में, मूल घर में, तो हमारा क्या होगा। तो जब गठबंधन कोई होता है तो जो वोटर हैं उनको देखा जाता है, क्या हमारे साथ रहेंगे। ममता बनर्जी की परेशानी क्या है, कांग्रेस छोड़ के वो गई, एक अलग बेस बनाया, वापस कांग्रेस से गठबंधन अगर कर ले कांग्रेस की शर्तों पर, तो उनका वोटर कांग्रेस के पास आ सकता है। ठीक है अरुण, लॉजिक है आपके पास।